हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ क्रिस्पी प्याज के पकौड़े, या कह लीजिए प्याज के भजिए। बिल्कुल बाजार जैसे क्रिस्पी करारे एंड प्याज के पकौड़े आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जो कि डेफिनेटली आप लोगों को बहुत ही पसंद आने वाले हैं। तो चलिए, वीडियो में देरी ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं कि हम किस तरह से प्याज के क्रिस्पी एंड करारे पकौड़े बनाने वाले हैं। आइए देखते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर लिया हुआ है प्याज, और प्याज को अच्छे से छील करके मैंने इसे वॉश कर लिया, और इसके जो बैक साइड में ब्राउन कलर में होता है उसे हम काट करके निकाल देंगे, और इस तरह से हम प्याज की पतली पतली स्लाइसेस कर लेंगे। मैंने लिए यहाँ पर 5 प्याज, और 5ों प्याज के साथ मैं इसी तरह से इसे अच्छे से कट कर लूँगी। आपको ज़्यादा मोटे मोटे, ये देखिए मैंने प्याज को अच्छे से कट कर लिया, और इसे मैं इस तरह से इसके सभी स्लाइसेस को अलग अलग कर दूँगी। इनको मैं इस तरह से हल्के हाथों से अच्छे से मिक्स कर दूंगी, ताकि प्याज जो है एकदम खिले खिले एकदम अलग अलग हो जाए। इसी से जो ये एक बहुत ही अच्छी ट्रिक है प्याज के पकौड़े बनाने के लिए, तो आप ये ज़रूर करें। सभी स्लाइसेस को आप ज़रूर अलग अलग कर दें। और यहाँ पर मैं डालूंगी हल्दी, ये मैंने डाला है यहाँ पर जीरा पाउडर, थोड़ा सा मैंने गरम मसाला का यूज़ किया हुआ है, और यहाँ पर मैंने ये अजवाइन ली हुई है। अजवाइन का फ्लेवर प्याज के पकौड़ों में बहुत ही अच्छा आता है, तो इस तरह से मैं इसे हाथों में रब करके यहाँ पर डाल दूँगी। और यहाँ पर मैंने डाला है हरी मिर्च, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, ये मैंने ग्रेटेड जिंजर ले लिया है, अदरक लिया हुआ था, और यहाँ पर मैंने धनिया ले लिया है। अदरक आप ज़रूर डालिएगा, इससे जो इसका फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छा आता है। और अब मैं इसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स डालने वाली हूँ। यहाँ पर मैं 1/4 यहाँ पर चावल का आटा का यूज़ करूँगी, जिससे कि ये प्याज के पकौड़े बहुत ही 1/4 नहीं, मैंने 1 टेबल स्पून लिया हुआ था, तो यहाँ पर मैंने, जिससे कि हमारे प्याज के पकौड़े बहुत ही क्रिस्पी बनने वाले हैं। और यहाँ पर मैंने 1 कप बेसन लिया हुआ है, जिसे मैं थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी, एक साथ मत डालिएगा, थोड़ा थोड़ा करके हमें जितनी ज़रूरत होगी हम उसके अनुसार यहाँ पर डालेंगे। तो ये देखिए मैंने थोड़ा सा बेसन और डाला है, और इस तरह से मैं थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पर मैंने 1 कप बेसन का यूज़ किया हुआ है। 1 कप बेसन मेरा 5 प्याज के पकौड़ों में लग गया है, और इस तरह से हमें अलग अलग करते हुए इसे अच्छे से मिक्स करना है। इसका आपको डो की तरह नहीं तैयार करना है, इसी तरह से देखिए किस तरह से प्याज के लच्छे जैसे एकदम बन रहे हैं। इस तरह से हमें बेसन मिला करके इसे अच्छे से एक साथ मिक्स करना है। तो देखिए इस तरह से हमें प्याज के पकौड़ों को अच्छे से तलना है। और यहाँ पर अब मैं लास्ट में ऐड करूँगी नमक, नमक डाल के हम इन्हें और अच्छे से मिक्स कर देंगे। इस तरह से दोस्तों आप प्याज के पकौड़े बनाएंगे, आप यकीन नहीं मानेंगे, एकदम मार्केट स्टाइल वाले प्याज के पकौड़े बन करके रेडी होने वाले। तो देखिए इस तरह से आपको एक जगह इसका डो बना के नहीं ऑयल में डालना है, आपको बस इसे हल्के हाथों से इकट्ठा कर लेना है और यहाँ पर डालना है, ताकि प्याज और अंदर जो बेसन है वो बहुत ही अच्छी तरीके से अंदर से ये सिक जाए। देखिए मैं किस तरह से डाल रही हूँ, अभी ये सिकने के बाद आपको दिखेंगे। ये देखिए आप देख सकते हैं, बिल्कुल मार्केट स्टाइल वाले ये भजिए बन करके रेडी हो रहे हैं। तो इन्हें मैं कर लूँगी अच्छे से फ्राई, ये देखिए आप देख सकते हैं। तो इस तरह से मैं सभी पकौड़ों को 1/1 करके अच्छे से फ्राई कर लूँगी, और आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें, आपको भी बहुत ही पसंद आने वाला है। तो ये देखिए भजिए बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। कोई कह सकता है कि ये मार्केट के भजिए नहीं है, बहुत ही टेस्टी एंड बहुत ही यम्मी भजिए बन करके रेडी हो गए हैं। हम इसे सर्व करेंगे टोमेटो चटनी के साथ, या सॉस के साथ, और ग्रीन चटनी के साथ। ये देखिए बहुत ही टेस्टी और यम्मी भजिए बन करके रेडी हो गए हैं। मैं इसे आपको अंदर से तोड़ करके दिखाती हूँ कि ये कितने बढ़िया क्रिस्पी बने हुए हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं देखने में। तो इसे मैं करूँ अभी आपको
तोड़ के दिखाती हूँ कि ये कैसे लगी। ये देखिए अंदर से अंदर तक बेसन एकदम सिक चुका है। तो आप भी इसे बनाइए, इंजॉय करिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। और मेरे और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट करिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी गाइज, हैव अ लवली डे, बाय बाय एंड टेक केयर।